अरे पप्पू है अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अच्छा हुआ तुम घर पे मिल गए, वरना मैं शाम तक इंतजार करती तुम्हारा। खैरियत है ना सब इतनी सुबह सुबह? खैरियत ही खैरियत, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें लाई, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। क्या हो गया पप्पो? अरे अंदर तो आओ देखो तो। पप्पो मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस तो रोज जाते हो, आज जरा सा लेट हो जाओगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। अब यहीं खड़े रहोगे या अंदर चलोगे? चलिए चलो आओ। आता हूँ आरिफ। ठीक है सर। हाँ जोया, मुझे आधा घंटा लगेगा आने में। ये देखो। अच्छा ये तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, मुझे भी बहुत पसंद आई है। बैठिए। कैसी लगी? पप्पू आप जानते हैं मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? तुम किसी के सर पे सौतन नहीं मुसल्लत कर रहे हो। हाँ लेकिन अपनी बेटी के सर पे सौतेली माँ जरूर मुसल्लत कर दो। बेटा सब एक जैसी नहीं होती, देखभाल के लाऊंगी, मुझे भरोसा नहीं है। सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजारोगे? शादी कर लोगे तो कोई ख्याल करने वाला आ जाएगा ना। शमसा की यादों के सहारे बाकी जिंदगी भी गुजर जाएगी। मेरे लिए शमसा की यादें ही काफी। बेटा यादों से घर नहीं चलते, तुमने अपने घर की हालत देखी, कैसी वीरानी है। औरत ही तो घर को सजाती है बेटा। खैर मैं कह रहा था कि पप्पू छोड़े ना इस टॉपिक को। आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आके रहने लगे, आइजल का दिल लग जाए। ना बाबा बुरा मत मानना, मेरे तो बस से बाहर ही है वही लड़की। तुम गए थे दुबई एक हफ्ता, रही तो थी आके, कानों को हाथ लगा लिए थे मैंने। ना तुम उसे कुछ कहते हो ना वो किसी की सुनती है, फिर क्या फायदा मेरे रहने का। मेरी मानो तो शादी कर लो। आयसल भी अभी छोटी है, मुश्किल तो होगी लेकिन एडजस्ट हो जाएगी वो सौतेली माँ के साथ। वक्त निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तुम्हें आयसल की भी शादी करना है ना, कैसे करोगे? और फिर उसको रुखसत कर दोगे तो किसके सहारे जिंदगी गुजारोगे? अरे पप्पू बताया तो है। आइजल लिसन, आइजल। अच्छा हुआ कल तो पता चल नहीं था ना उसे। आपने देखा किस तरह से रोते हुए गई है। मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं करना चाह रहा हूं दूसरी शादी, और प्लीज आइंदा से ये शादी वाला मामला मत उठाइएगा यहाँ पे। ठीक है भाई नहीं करूंगी, लेकिन ये तो बता दो कि मरने के बाद तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी आप मुझे। मैं नहीं करना चाहता दूसरी शादी।